आज ये बोट एंड स्ट्रीम की ये पार्ट टू यानी कि सेकंड वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है कि किसी नाव की चाल शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में जाएगी, आपको ये निकालना है। अब देखिए, नाव की चाल शांत जल में आपका दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल भी अलग दे दी गई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको निकालना है विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, अप स्ट्रीम में। ओके, अब सबसे पहले नाव की चाल को हम लोग क्या करते थे, नाव या व्यक्ति की चाल को x से डिनोट करते हैं। तो x का मान दे दिया गया है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल को y से डिनोट करते हैं, y का मान दे दिया गया है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या होता है आपका, माइनस होता है। तो माइनस क्या करेंगे हम, x माइनस वाई, ये हो जाएगा चाल विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया चाल। अब अगर 9 किलोमीटर जाएगा तो टाइम कितना लगेगा उसे, तो समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल, यानी कि हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया गया है आपका, 9 किलोमीटर, और कितना दिया गया है स्पीड, 3 किलोमीटर। इसे कट कर दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 घंटे का समय लगेगा उसे 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के विपरीत। अगर यही पूछा जाता आपसे कि धारा के साथ अगर चले तो कितना टाइम लगेगा, तो धारा के साथ जाने के लिए क्या करते हम, इसे ऐड कर देते, 4 और 1 कितना हो जाता, 5, और वही लिख देते हम 9/5, तो उतना ही घंटे लगते इसे धारा के साथ जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव को धारा के साथ 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यदि कंडीशन है कि शांत जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दे दी गई है। क्वेश्चन वही सेम है, शांत जल में नाव की चाल यानी कि x का मान दे दिया गया है आपका कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा और y यानी कि धारा की चाल दे दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है इसमें धारा के साथ, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, धारा के विपरीत जाने में, धारा के साथ अगर जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई, तो 13 + 3 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर पर आवर। अब 64 किलोमीटर की दूरी को तय करने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका, 64, स्पीड कितना है 16, इसे कट करेंगे कितने टाइम में कट जाएगा, 4 टाइम में, तो 4 घंटे का समय लगेगा इसे धारा के साथ जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 3 किलोमीटर में, अनुकूल का मतलब क्या है, धारा के साथ, ठीक है, यानी कि धारा की दिशा में 3 घंटे में 48 किलोमीटर चलती है, लेकिन वापस उसी स्थान पर धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में पहुंचती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति क्या होगी। अब देखिए, एक ही डिस्टेंस आपका दिया गया है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस दिया गया है ए से बी तक, हम इसे मान लेते हैं, ये 48 किलोमीटर का दूरी ये दे रखा है। अब क्या होता है, एक बार नाव इस साइड जाती है, एक बार फिर रिटर्न होती है, चाहे धारा किसी भी दिशा में हो, इतना तो तय है कि एक बार वह धारा के साथ जाएगा और दूसरी बार वह धारा के विपरीत आएगा, क्योंकि एक ही डिस्टेंस को जा रहा है और फिर रिटर्न हो रहा है, यानी एक बार साथ में जाएगा और एक बार विपरीत में जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि अनुकूल दिशा में जब जाता है, यानी कि धारा के साथ जब जाता है, तो 3 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो व्यक्ति का धारा के साथ चाल हम निकाल सकते हैं, व्यक्ति की धारा के साथ चाल, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, दूरी आपका हो जाएगा 48, समय 3 घंटे, कितने टाइम में कट जाएगा ये, 16 टाइम में, यानी कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया यह व्यक्ति का धारा के साथ। व्यक्ति का धारा के साथ कहने का क्या मतलब है कि x प्लस वाई। अब धारा के, यहाँ पे कहा गया कि उसी स्थान पर धारा के विपरीत दिशा में 12 घंटे में पहुंच गया, तो व्यक्ति की धारा के विपरीत चाल, क्योंकि रिटर्न जब हुआ तो विपरीत दिशा में हुआ, तो विपरीत चाल बराबर की दूरी तो आपका सेम 48 किलोमीटर,
समय कितना? 12 घंटे का। कितने टाइम में कट गया? 4 टाइम में। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि विपरीत का मतलब क्या? x माइनस वाई। अब आपसे पूछा गया है कि स्थिर पानी में नाव की गति बताना है आपको, यानी कि x का मान बताना है। तो नाव की गति बताने के लिए आप अगर फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि यदि धारा के साथ और धारा के विपरीत दोनों अलग अलग चाल आपको मालूम है तो नाव की चाल कैसे निकालेंगे और धारा की चाल कैसे निकालेंगे। तो नाव की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एड कर देंगे और बटे 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, यानी 20 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया नाव की चाल यानी कि x। इसी में अगर पूछ लिया होता धारा की चाल, तो धारा की चाल या गति, तो धारा की चाल के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं और बटे फिर 2 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 बटे 2 और ये कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों में से जो पूछे आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा में, प्रतिकूल का मतलब क्या है कि विपरीत दिशा में, कि प्रतिकूल धारा में 24 किलोमीटर और अनुकूल यानी कि धारा के साथ में 36 किलोमीटर जाता है। दोनों अलग अलग डिस्टेंस आपका दिया गया है तथा प्रत्येक बार 6 घंटे का समय लेता है। कहने का मतलब कि जब धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाता है तो भी 6 घंटे का टाइम, और धारा के साथ में 36 किलोमीटर जाता है उसमें भी सेम कंडीशन आपका 6 घंटे का ही समय लगता है। तो धारा का चाल आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको निकालने के लिए धारा के साथ चाल और धारा के विपरीत चाल आपको निकालनी होगी। तो किसी भी जो भी आदमी है, आदमी का धारा के विपरीत चाल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत चाल, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 24 किलोमीटर बटे समय 6। कितने टाइम में कट जाएगा ये? 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आदमी का धारा के साथ चाल, साथ में कितना जा रहा है वह 36 किलोमीटर, टाइमिंग क्या है इसका 6 घंटा ही, ये कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या हो गया, धारा के विपरीत, यानी ये x माइनस वाई का मान मालूम है और ये x प्लस वाई का मान मालूम है। ओके, अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि धारा का वेग कितना है। अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। तो धारा का वेग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब साथ चाल और विपरीत चाल मालूम है तो धारा का वेग निकालने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस और बटे कर देंगे हम 2। तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी में अगर व्यक्ति यानी कि या नाव जो भी है, आदमी की चाल अगर पूछी जाती तो हम इसमें क्या करते, दोनों को ऐड कर देते और बटे कर देते हम 2, यानी 10/2 हो जाता, तो 5 टाइम में कट जाता, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है इसका आदमी का चाल। ओके, अगर आपको ये याद नहीं है तो समीकरण से आपको निकालना होगा कि x माइनस वाई का मान आपका 4 आया है, x प्लस वाई का मान आपका 6 आया है। ये मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, ये आपका कट जाएगा तो 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा। इस तरह से x का मान कितना आ गया, 5। फिर यहाँ पे जैसे कि आया है, फिर 5 का मान आप किसी एक समीकरण में पुट करोगे, फिर आपका y का मान आ जाएगा, यानी धारा का मान आएगा। तो ये थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, इसीलिए आप इस मैथड से निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव का 5 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल आपका, सॉरी, नाव का चाल दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक नाविक किसी स्थान तक जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 75 मिनट का समय लेता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब कोई भी डिस्टेंस आपका दे दिया गया है यहां से यहां तक, और वह कहता है कि नाव और धारा का वेग आपको अलग अलग मालूम है। नाविक जो है यहाँ पे, यहाँ से किसी स्थान तक जाता है और फिर रिटर्न प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। तो मैंने अभी पहले कोई पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब एक ही डिस्टेंस को कोई भी आदमी या नाव जाता है फिर रिटर्न होता है, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि एक बार वह धारा के साथ गया होगा और एक बार वह धारा के विपरीत आया होगा। क्योंकि सपोज कीजिए अगर धारा इस दिशा में बह रही है और आप ऐसे गए यानी धारा के साथ गए, बट जब आप रिटर्न हो रहे हो तब तो आप धारा के विपरीत चलोगे ना,
या फिर अगर धारा इस दिशा में बह रही है तो जाने टाइम आप विपरीत में गए, फिर आने टाइम तो साथ में आओगे, मतलब कि कुल मिलाकर एक बार धारा के साथ जाएंगे आप और एक बार विपरीत में। तो चलिए डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस को हमने मान लिया डी किलोमीटर। ओके, अब आपके पास टोटल टाइम मालूम है 75 मिनट का समय लगा है जाने और आने में, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। ओके, अब इसके लिए आपको जरूरत क्या होगी, धारा के साथ अगर जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा चाल, यानी कि 5 + 1 ये हो गया x और ये y, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, और धारा के अगर विपरीत में जाएगा तो x माइनस वाई यानी 5 - 1 = 4 किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर लगाते हैं हम फॉर्मूला दूरी बटे चाल, तो एक बार अगर मान लेते हैं जाया गया होगा तो धारा के साथ यानी x प्लस वाई, तो 6 हम लिख देते हैं यहाँ पे मान इसका, और जब आया होगा रिटर्न तो विपरीत में आया होगा, तो x माइनस वाई का मान कितना है 4 इक्वल टू टोटल टाइम, ये क्या है समय ना, जाना और आना 75 मिनट का समय लगा, लेकिन ये सारे के सारे आपके क्या है किलोमीटर घंटे में दिए गए हैं, तो इसे भी आपको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा। अब इसे आप 15 से कट कर सकते हैं 5 टाइम में और ये 4 टाइम में, इधर आप एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ 2d और ये हो जाएगा 3d इक्वल टू 5/4, 4 से इसे काट दीजिए 3 टाइम में, ये हो जाएगा अब आपका 5d/3 इक्वल टू 5 कैंसिल हो जाएगा और आपका d का मान कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर, जो कि यही आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस कितना दिया गया है 3 किलोमीटर। इसी में आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि इस दरमियान उसने कितनी दूरी को टोटल तय किया, यानी कि 3 इधर से जाने में फिर 3 रिटर्न होने में, यानी टोटल हो जाएंगे 6 किलोमीटर की दूरी। तो ये थे आज की वीडियो, आज का वीडियो आप सब को कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।